फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। हम पढ़ रहे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आज इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो आपने ऑलरेडी किए हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दीज आर सम स्टेटमेंट्स, आपको बताने की स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो क्वेश्चन कहता है अगर आप कोई भी ऑड नंबर लेंगे उसका क्यूब करिए वहां इवन निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 3 लीजिए, 3 एक ऑड नंबर है, तो अगर आप 3 को क्यूब करेंगे यू विल गेट 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, और बेटा 27 ये भी ऑड है, ठीक है ना। आप एक और केस लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 देखिए, 5 ऑड नंबर है, अगर आप 5 का क्यूब लेंगे 5 क्यूब इज 125, 125 भी ऑड नंबर। तो इसका मतलब हो गया जो ऑड नंबर है इसका क्यूब ऑड ही होता है और इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है। लेकिन स्टेटमेंट कहता है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, लिहाजा स्टेटमेंट फॉल्स है, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। तो बिल्कुल सही है, जिस भी नंबर के पीछे 2 जीरोस होंगे वो कभी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। जैसे 100 में आप देखिए 2 जीरोस, वो 100 परफेक्ट क्यूब नहीं। यू मे टेक 200, यू मे टेक 500, 700, तो जिस भी नंबर को पीछे से 2 ही जीरोस होंगे इस तरह का नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। टेक 800 से फॉर एग्जाम्पल, तो 800 आप देखिए इसको पीछे से 2 जीरोस है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो जिस भी नंबर को पीछे से 2 जीरो होंगे वो कभी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट सेकंड इट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। लेट्स सी, देखिए बेटा हम एग्जांपल लेंगे, अगर आप 5 लेंगे 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 25 एंड होता है 5 पर, और 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 तो एंड होता है 25 पर। चलिए यहां पर ये ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट इस एग्जांपल के लिए ठीक है। अब देखेंगे एक और एग्जांपल लेंगे, अगर मैं 15 स्क्वायर हूं, ठीक है, 15 स्क्वायर इज 225, ठीक है। अब अगर 15 क्यूब लेंगे देन इस स्टेटमेंट के हिसाब से 15 क्यूब के जो लास्ट के 2 डिजिट वो 25 आने चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे 15 क्यूब आएगा इक्वल टू 225 इंटू 15, दैट इज 15 5s are 75, कैरी आ गई 7, 15 2s are 30 और 7 हो गई 37, कैरी आ गई 3, 15 2s are 30 और 3 हो गई 33। लेकिन जो 15 क्यूब है इसके जो आखिर के 2 डिजिट वो 25 नहीं बल्कि 75। तो ये स्टेटमेंट कहीं पर ट्रू भी हो सकता है, कहीं पर फॉल्स हो सकता है, लेकिन इन जनरली ट्रू नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है कि अगर कोई नंबर इसका स्क्वायर 25 पर एंड होगा तो जरूरी नहीं कि उसका क्यूब 25 पर एंड हो, उसका क्यूब 75 पर भी एंड हो सकता है, जैसे आपने यहां पर देखा। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो 8 पर खत्म हो, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आप देखिए जो 8 है, अगर आप पहले देखेंगे 8 तो परफेक्ट क्यूब है तो ये 8 ही पर खत्म होता है। अब अगर आप लेंगे 12 क्यूब, देखिए आप 12 क्यूब लिखेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इज 144 इंटू 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 are 2, 1 4 are 4, 1 4 are 4, 1 1 are 1, तो ये बनेगा 8 प्लस 4 इज 12, 4 प्लस 2 इज 6, प्लस 1 इज 7, 1, तो 1728 परफेक्ट क्यूब है जो कि 8 पर खत्म हो। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट फिर दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, there are many perfect cubes which end with 8, the statement is false. The cube of 2 digit number may be a 3 digit number. dekhiye agar hum 2 digit number lenge sabse bada 2 digit sabse chhota 2 digit number agar hum baat karenge 10 ki, 10 is the smallest 2 digit number. ab beta iska cube kariye, let's take 10 cube. dekhiye 10 cube aapko maloom hai it is 10 into 10 into 10, that is equal to 1000. अब देखिए 1000 में कितने डिजिट है, 1 2 3 और 4, तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब बनता है 4 डिजिट नंबर, लिहाजा अगर हम इससे बड़े लेंगे 10 से बड़े 2 डिजिट नंबर तो ऑब्वियसली उनका जो क्यूब है ना वो भी 4 डिजिट नंबर या इवन 5 डिजिट नंबर आएगा, लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन कहता है
द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे हैव सेवन और मोर डिजिट, सॉरी इसने थ्री की बात नहीं की है, पार्ट नंबर फोर है ये, द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे बी ए थ्री डिजिट नंबर, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आपने सबसे छोटा टू डिजिट नंबर देखा उसका क्यूब बन गया फोर डिजिट नंबर। अब अगर आप इससे बड़े टू डिजिट नंबर्स लेंगे उनका क्यूब तो फोर डिजिट या फाइव डिजिट नंबर बनेगा लेकिन थ्री डिजिट नंबर नहीं बनेगा, लिहाजा स्टेटमेंट फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऐसा ही स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे हैव सेवन और मोर डिजिट्स। अब बेटा देखिए अगर टू डिजिट नंबर लेंगे, देखिए सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर हम लेंगे 99। अब अगर आप 99 का क्यूब करेंगे 99 into 99 into 99, अब जरा देखेंगे इसमें कितने डिजिट आएंगे। चलिए पहले 99 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे, 99 are 81, कैरी आ गए 8, 99 are 81 और 8 हो गए 89, देन अगेन ऐसा ही आएगा 1 9 8, 9 plus 1 is 10, 8 plus carry 1 is 9, 9 plus 9 is 18, 8 plus 1 is 9। अब 9801 को अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 99 से देखिए क्या बनेगा, 9 1 are 9, 9 8 are 72, कैरी आ गई 7, 9 9 are 81, 81 और 7 हो गए 88, फिर से ही आएगा 90288, दैट इज 9 9 2 8 plus 2 is 10, कैरी आ गई 1, 8 plus 8 is 16 plus 1 is 17, 8 plus 1 is 9, तो इसमें कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4 5 6। तो जो सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर है उसके क्यूब में 6 डिजिट आ गए, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट, तो 7 तो नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते क्योंकि सबसे बड़े टू डिजिट नंबर का जो क्यूब है उसमें 2 3 4 5 6 ही डिजिट आ गए, 7 नहीं आ सकते। 98 में अगर आप देखेंगे तो उसमें 7 डिजिट नहीं आएंगे क्योंकि 99 में 6 ही डिजिट आ गए। तो लिहाजा आपने देखा जो भी टू डिजिट नंबर होगा उसके क्यूब में ज्यादा कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट हो सकते, ठीक है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे हैव ए सिंगल डिजिट नंबर, मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, बिल्कुल। देखिए अगर आप सिंगल डिजिट नंबर लेंगे 2 का जो क्यूब है वो 8 बनेगा, तो 2 सिंगल डिजिट नंबर है, 8 भी सिंगल डिजिट नंबर है, तो मे हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्या था कि नहीं डेफिनेटली होगा ही होगा। जैसे अगर आप 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इसका क्यूब क्या बनेगा 729, तो इसमें 3 डिजिट आते, लेकिन क्वेश्चन क्या था, मे हैव मतलब हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 2 आपकी बात लेंगे, आप 1 की बात लेंगे, 1 सिंगल डिजिट नंबर है इसका क्यूब 1 ही बनेगा, तो इसमें भी 1 डिजिट आ गया। 2 सिंगल डिजिट नंबर है इसका क्यूब 8 बनेगा, उसमें भी सिंगल डिजिट नंबर ही आ गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं मे बी, क्योंकि ये कहते हैं ना मे बी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहां 2 केस हमने कम से कम देखे कि जिनमें क्यूब सिंगल डिजिट नंबर ही बनता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देन इज क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। देखिए बेटा 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, यू हैव टू गेस। देखिए अभी आपने एक मेथड किया बाई यूजिंग प्राइम फैक्टोराइजेशन, प्राइम फैक्टोराइजेशन के बगैर भी हम किसी नंबर के बारे में, अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते विदाउट प्राइम फैक्टोराइजेशन। जैसे इसने एग्जाम्पल दी है 1331 की, देखिए बेटा अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा उसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टोराइजेशन। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1331, आपको क्या करना है, आपको इस नंबर के ट्रिपलेट्स बनाने, ट्रिपलेट्स याद रखना, जैसे आपने स्क्वायरिंग में आप वहां पर पेयरिंग करते थे, दो दो डिजिट्स आप एक साथ रखते, यहां पर तीन तीन डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस आपको ट्रिपलेट बनाने। तो देखिए यहां पर आपके पास पहला आ गया, पहला जो ट्रिपलेट 331 और फिर आ गया 1। अब देखिए बेटा जो 331 जो है ना, टेक 331, जो 331 है इसका जो वन प्लेस का डिजिट वो क्या है, इट्स वन प्लेस डिजिट, इज इक्वल टू 1। इसके जो वन प्लेस का डिजिट नहीं, ये वाला डिजिट, ये क्या है,
वन। तो देयरफॉर इसका जो क्यूब रूट होगा थ्री थ्री वन का जो क्यूब रूट होगा ना, उसका जो वन इस प्लेस कर दीजिए वो भी वन ही होगा, बिकॉज वन इंटू वन इंटू वन इज वन। तो देयरफॉर वन इज डिजिट, ऑफ इट्स क्यूब रूट वो भी वन होगा। ठीक है, अब बेटा वन लीजिए ये वाला। नाउ देखिए वन जो है ना, वन का क्यूब वन ही होगा और क्यूब रूट ऑफ वन इज वन। नाउ क्यूब रूट ऑफ वन, ये जो वन है ये वाला वन, इसका क्यूब रूट तो वन ही बनेगा। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331, तो 1331 का क्यूब रूट क्या बनेगा, पहले ये वन लिखना है और फिर ये वन लिखना है, दैट इज 11। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, जैसे एक और इसने एग्जांपल दी है 4913, दूसरा पार्ट है 4913। इसको भी आप ट्रिपलेट बनाइए स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज प्लेस। देखिए बेटा पहले लेंगे 913, टेक 913, इसका जो वन इज प्लेस का डिजिट है इट्स वन इज प्लेस डिजिट इज थ्री, ये वाला थ्री। अब जिस नंबर का वन इज प्लेस का डिजिट थ्री होता है उसके क्यूब रूट का वन इज प्लेस का डिजिट क्या होगा, शाबाश, ऑब्वियसली दैट विल बी 7, बिकॉज 3 क्यूब इज 3, 3 आर 9, 3 आर 27। तो उसके जो क्यूब रूट का वन इस प्लेस का डिजिट वो होगा 7। सो देयरफॉर वन इस प्लेस ऑफ इट्स क्यूब रूट इज इक्वल टू 7। इसकी जो क्यूब रूट होगा उसके वन इस प्लेस का डिजिट होगा 7। अब आप लेंगे 4, टेक 4, टेक 4। देखिए बेटा 4 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं, 1 अभी आपने ऊपर देखा 1 परफेक्ट क्यूब था, जो 4 है 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन जो 4 है ना इट लाइज बिटवीन, जो 4 है अब देखिए इट लाइज बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। 4 का वैल्यू 1 क्यूब और 2 क्यूब के दरमियान आता है, 1 क्यूब मीनस 1 एंड 2 क्यूब मीनस 8। ठीक है, तो जो 4 का वैल्यू ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। ठीक है जी, इस 1 और 2 में से छोटा कौन नंबर है, स्मॉलर इज 1, 1 क्यूब और 2 क्यूब, यानी 1 और 2 में जो छोटा नंबर है वो क्या है, 1। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913, क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल, पहले ये 1 लिखेंगे और फिर ये 3 लिखेंगे, ये 3। ठीक है ना, सॉरी इसका जो 1 इज प्लेस, नॉट 3, इसका जो 1 इसके क्यूब रूट का जो 1 इज प्लेस का डिजिट दैट इज 7, तो ये बनेगा 70। क्या बनेगा, हेंस क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 70। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 32768, 32768। तो पहले इसमें ट्रिपलेट बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन इस प्लेस, तो फिर 32 ये अलग रहेगा। तो पहले बेटा लेंगे 768, टेक 768, इसका जो वन इस प्लेस का डिजिट वो क्या है, 8। इसका वन इस प्लेस का डिजिट 8 है, ये वाला। तो आप देखिए इसके क्यूब रूट का वन इस प्लेस का डिजिट क्या हो, वन इस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट विल बी इक्वल टू 2। जिस नंबर का वन इस प्लेस का डिजिट 8 होगा उसके क्यूब रूट का वन इस प्लेस का डिजिट 2 होगा, बिकॉज 2 2s are 4 2s are 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो 768 में जो क्यूब रूट का वन इस प्लेस का डिजिट है वो 2 होगा, ये 2 आप नोट करें। अब बेटा हम 32 लेंगे, नाउ ये जो 32 है, देखिए 32 लाइज बिटवीन, इट लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। देखिए 3 क्यूब हो गया 27 और 4 क्यूब हो गया 64,
और जो 32 है ये इसी 27 और 64 के दरमियान आता है ना। सो 32 लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, लेकिन इन 3 और 4 में से छोटा कौन है? स्मॉलर इज 3, इनमें से 3 और 4 में से छोटा कौन है? 3। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल, पहले ये 3 लिखना होगा, ये 3 और फिर ये 2, हेंस क्यूब रूट ऑफ 32768 इज 32। सो दिस कॉल्ड क्यूब रूट बाय गेस मेथड। आप कई और नंबर्स ले सकते हैं और इसी तरह उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इंशाल्लाह कल से हम मिसलेनियस एग्जांपल्स पढ़ेंगे। बाकी अस्सलाम।